हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। आज हम लोग बात करेंगे भारत फोर्ज लिमिटेड के बारे में। तो ये शेयर आपका आज क्लोज हुआ है 790.55, ओके। और ये शेयर आज आपका हाई गया था 804.40 पे, लो गया था 783.55 पे, और फिनस्टार ने इस कंपनी को 3 out of 5 का रेटिंग दिया है। ये एक बड़ा मार्केट कैपिटल वाला कंपनी है। इसका टोटल मार्केट कैपिटल है आपका 36,807.11 करोड़, और कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है 3,600.11.73 करोड़। मतलब इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.61। किसी भी कंपनी का अगर डेप्थ इक्विटी रेशियो एक से कम होता है तो हम लोग उसको फंडामेंटली अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से कम है। और इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो आपका 1.53। किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, यहाँ पे एक से ज्यादा है। और प्रोमोटर्स का होल्डिंग है इस कंपनी में आपका 44.76। किसी भी कंपनी का इसका प्रोमोटर का होल्डिंग 40% से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, यहाँ पे आपका 44.76%। और एक अच्छी बात है कि ये जो 44.76% है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। अभी हम लोग सीधे आ जाएंगे चार्ट पे। तो हर बार की तरह पहले क्या करेंगे, बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट देखेंगे। देखिए मैंने इस पे यहाँ पे बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया। ये शेयर आपका लो गया था अप्रैल महीने में लगभग 561, तब से शेयर लगातार अपट्रेंड में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिन से एक ट्रेड रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। मतलब एक ही रेंज पे लगभग ट्रेड कर रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे इंडिकेटर वाला चार्ट में चला जाएंगे तो हम लोगों को आपका समझ में आसानी होगा। देखिए यहाँ पे ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन देखने वाली बात है, देखिए यहाँ पे सुपर टेन ने सिग्नल दिया है, ठीक है। अभी आप लोग कह सकते थे यहाँ पे भी तो सिग्नल दिया है, यहाँ पे भी तो सिग्नल दिया है, लेकिन जब इस जगह पे सिग्नल दिया था तब देखिए एमएसडी नीचे था, आरएसआई लेकिन 60 के ऊपर नहीं था। जब इस जगह पे आपका सिग्नल दिया था सुपर टेन में, तब भी आपका एमएसडी नीचे था और आरएसआई भी नीचे था, लेकिन अभी जो सिग्नल दिया है उसके बाद इस कैंडल में देखिए एमएसडी आपका ऊपर ही है और आरएसआई भी अबव 60 है, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा पिवोट पॉइंट जो होता है पिवोट पॉइंट को थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ, ओके। अभी देखिए मैंने यहाँ पे पिवोट पॉइंट ऐड कर लिया। पिवोट पॉइंट ऐड करने का यही मतलब था, देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे पिवोट पॉइंट का रेजिस्टेंस लेवल था जिसको तोड़कर इस कैंडल में थोड़ा सा ऊपर गया था, लेकिन फिर एक आपका नेगेटिव कैंडल बना। लेकिन जो नेगेटिव कैंडल बना वो जो पिवोट पॉइंट है इसको आज तोड़ नहीं पाया, मतलब यही एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी देख लेंगे। अभी देखिए मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन कर लिया। इस जगह पे देखिए ये इसका लास्ट टाइम हाई गया था लगभग 787 का, अभी उसी रेंज में ये शेयर लगभग ट्रेड कर रहा है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस लेवल पे शेयर ट्रेड कर रहा है। ये शेयर आपका लो गया था अप्रैल 2020 को लगभग 212 के करीब, उसके बाद से ये शेयर लगातार अपट्रेंड दिखा रहा है। देखिए ये शेयर लगातार अपट्रेंड दिखा रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे सुपर टेन ने बाई बोला था, फिर शेयर ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखिए सुपर टेन ने सेल बोला था, लेकिन सेल जो बोला था उसके बाद शेयर थोड़ा सा नीचे गिरा, लेकिन फिर ऊपर चला गया, फिर देखिए 3-4 कैंडल में गिरा, फिर ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। और एक अच्छी बात यहाँ पे देखिए आरएसआई जस्ट आपका 60 का जो लेवल है उसको टच किया है। एमएसडी देखिए 0 point से नीचे है, लेकिन लास्ट जो दो कैंडल एमएसडी का नीचे की तरफ है देखिए ग्रीन कैंडल है, और ये दो लाइन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एमएसडी भी आपका एक कॉसवा बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से भी मुझे जो लगता है एक पॉजिटिव सिग्नल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी देख लेंगे। तो अभी देखिए मैंने इसका मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया। अभी देखिए शेयर आपका नीचे आया था लगभग 216 के करीब आपका पिछले साल 1 अप्रैल में, उसके बाद से इसे लगातार अपट्रेंड में है, और इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है मंथली चार्ट के हिसाब से भी वो लगभग उसी रेजिस्टेंस लेवल पे शेयर ट्रेड कर रहा, तो मुझे जो लगता है रेजिस्टेंस लेवल बहुत जल्दी तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा, ये देखिए मैं इसका इंडिकेटर वाला चार्ट खोल लिया हूँ। यहाँ पे आपका सुपर टेन ने बाई बोला था स्ट्रॉन्ग कैंडल पे, उसके बाद से शेयर लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन देखिए लास्ट दो महीने में थोड़ा सा नेगेटिव दिया, लेकिन इस महीने में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। और इस कैंडल का क्या खासियत, एक कैंडल पिछला जो कैंडल बना था उसको पूरा इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। और आरएसआई भी अबव 60 है,
और एमएससीडी भी आपका 0.0 से ऊपर है। तो मुझे जो लगता है अगर इसी प्राइस में इस शेयर को खरीदा जाए, मतलब 790 के करीब इसको अगर खरीदा जाए, तो ये शेयर 7 से 8 महीने के अंदर 1020 का लेवल जा सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर, उसे वो एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, ना कि मैं यहाँ पे किसी को कुछ भी टिप्स देता हूँ। मेरा जितना फंडामेंटल टेक्निकल का नॉलेज है, उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर फंडामेंटली एंड टेक्निकली कैसा है। धन्यवाद।